फैजी, कहानी उसके पैदा होने के पहले ही शुरू हो गई थी। तो मैं बाप बन रहा हूं। बहुत सुंदर बच्चा होगा। मैं उसका नाम फैजल रखूंगा और उसे फैजी कहकर बुलाऊंगा। वो मेरी कमाई हुई संपत्ति का वारिस बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि कहानी उसके पैदा होने के बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। उन 9 महीनों में अब्दुल रजाक ने फरीदा के लिए सब कुछ खरीदा। वो उन दिनों उसके दिल के बहुत करीब थी। और आखिर में वो इंतजार की घड़ी आ ही गई। लड़की हुई है। लड़की का नाम फातिमा रखा। फिर अब्दुल रजाक और उसकी बीवी लड़के की चाह में दूसरे बच्चे की तैयारी करने लगे और आखिर में फरीदा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। ओ, 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 नहीं, 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 ओ, लड़की है या लड़का? लड़की हुई है। उस लड़की का नाम फौजिया रखा गया। उसके बाद अगले साल फरीदा फिर से मैटरनिटी होम पहुंच गई। लड़की हुई है। या अल्लाह। उन्होंने उसका नाम फिरोजा रखा। वही साल, वही जगह, वही समय। मेरी दुआ कबूल कर लो, इस बार मुझे जरूर लड़का ही देना। या अल्लाह। लड़की हुई है। इस बार लड़की का नाम फजीहा रखा। जैसे जैसे अब्दुल रजाक की फैमिली बढ़ती गई, उसका बिजनेस भी बढ़ता गया। 2 साल के बाद फिर से फरीदा गर्भवती हुई, लेकिन इस बार बच्चा पैदा होने से पहले अब्दुल रजाक दुबई चला गया। फरीदा का कोई रिश्तेदार है क्या? फरीदा का कोई रिश्तेदार है यहाँ? लड़की या लड़का? लड़का। अरे वाह वाह, अल्लाह क्या बात है। लड़का हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सोच रहा था मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, लेकिन मेरा फैजी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह।
लगातार प्रसव करने की वजह से फरीदा का स्वास्थ्य खराब हो गया था। और एक दिन वो सबको छोड़ के चली गई। अब वो लड़का उस बाप के हवाले था जिसने उसको अभी तक देखा ही नहीं था, और साथ में थी चार छोटी बहनें। उस दिन फैजी ने पहली बार मीठा चखा था। फरीदा की मौत के बाद अब्दुल रजाक अपने बच्चों को दुबई लेकर चला गया। चुप। आ गया। शांत हो जाओ। फैजी के पास माँ तो नहीं थी, लेकिन उसे संभालने के लिए उसकी चार बहनें थीं। वो उनके सपनों की दुनिया उस किचन में ही पलने बढ़ने लगा। उनकी बहनों ने बहुत अच्छी तरह कोशिश की कि वो उसे माँ का प्यार दे। उन्होंने उसके लिए वही खाना बनाया जो उसकी माँ बनाया करती थी, लेकिन थोड़े ही समय में उसने किचन को संभालना सीख लिया। उसने किचन के कामों को मनोरंजक बना दिया। उसका किचन में खूब मन लगता था, लेकिन उसके अब्बा को ये सब पसंद नहीं था। ओए, तुम वहाँ किचन में क्या कर रहे हो? इधर आओ, जाकर पढ़ाई करो। और धीरे धीरे फैजी बड़ा हो गया। लड़कियों की शादी की उम्र होने से पहले ही अब्दुल रजाक ने उनके लिए दुबई में लड़का ढूंढ रखा था। आखिर में फैजी इतने बड़े घर में तन्हा हो गया।
तुम्हारी नई मम्मी। फैजे ये लो, इन सब बुकलेट्स को तुम अच्छी तरह से पढ़ लो। इसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें एमबीए कहां करना है। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे साथ मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू कर दूं। पढ़ लो इन्हें। फैजी, तुमने फैसला कर लिया यूके या यूएस? मैंने सारे देख लिए अब्बा। हाँ, मामूली सी एमबीए की पढ़ाई के लिए यूके यूएस जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं कुछ अलग काम करता हूँ तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, स्विट्जरलैंड में एक अच्छा सा कोर्स है होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। हाँ, मैं वहाँ ज्वाइन होना चाहता हूँ। आजकल टूरिज्म एरिया के हिसाब से चलता है पापा। ये टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट का तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है। तुमने अगर ये सब पढ़ा तो क्या हम 5-स्टार होटल खोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, वक्त के हिसाब से हमें बदलना चाहिए ना। हाँ, नहीं तो फिर मतलब क्या, हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए। हाँ, तुमने जो कहा बिल्कुल सही है। होना ऐसा चाहिए कि लोग अब्दुल रजाक को फॉलो करना शुरू कर दें, किसी और को नहीं। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम जब पढ़ाई करके वापस आ जाओगे तो हम अपना 5-स्टार खोलेंगे खुद का। एक जमाने में लोग रसोइये का बेटा कहकर मुझे बुलाया करते थे, और अब मेरा बेटा उन लोगों को ये दिखाएगा कि अब्दुल रज़ाक 5-स्टार होटल का मालिक बन गया है। हम्म,
सिचुएशन तो बहुत ही सीरियस है। फैजी ने स्विट्जरलैंड में अपना कोर्स खत्म किया और फिर लंदन में एक जॉब ढूंढ लिया और अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसने लंदन में घर खरीदने का फैसला लिया है। पर इसमें गलत ही क्या है? उसे अच्छी लड़की मिल तो गई है ना, कितनी गोरी भी है। वो तो है, लेकिन अब उसकी डिमांड कुछ और है। अब वो चाहता है कि ये बात हम अब्बा को बताए कि वो घर वापस नहीं आएगा। अल्लाह, अब अब्बू को पता चलेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम ये बात अब्बू को नहीं बताएंगे तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है, अब ये सोचो कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। हमें उसे वापस लाना होगा और वो भी बिना अब्बू को बताए। अरे भाई, एयरपोर्ट से सीधा घर पर आने में फैजी को कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं, मेरा बेटा कभी मेरी बातों को टालता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने परिवार के साथ मैंने ये सोचा है कि हम लोग ये सुलझाएंगे कैसे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। फैजल जैसा दूल्हा मिलना किसी भी परिवार के लिए खुशी की बात है। अच्छे संस्कार हैं, विदेश में पढ़ाई की हुई है और दिखने में हैंडसम लगता है मामूटी की तरह। फैजी, this spot, I had a spot up on this block. मेरा बेटा। सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। ये कौन सा स्टाइल है? हाँ फैजी, ये कल्लू माथोडियाल हाजियार, इन्हें अपने फ्यूचर के लिए खास इंसान मानो। सलाम वालेकुम। सलाम। All my people just be rolling up on this spot. Cause this spot, I had a spot up on this block. Hi. चल, हाँ चलिए। तुम अब्दुल्ला के साथ इस कार में आना। ठीक है अबू। फैजी, अब्दुल्ला अंकल। अब्दुल्ला अंकल, ये लोग कौन है? ये लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ बैठा बेटा। बहुत लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हाय। अच्छा, बहनों की कंपनी। क्यों दूल्हे राजा, हमें बिना बताए दुल्हन देखने जा रहे हो? तो इन सब के पीछे तुम हो? मैंने तुम्हें क्रिस्टिना के बारे में तो बताया था ना, तो फिर बेवजह ये सब क्यों? हमें सब कुछ पता है, लेकिन लड़की से मिलने में कोई बुराई नहीं है ना। मुझे दे। सुनो, रिश्ते के लिए तुरंत हाँ मत कर देना, हमारे स्टेटस का ख्याल रखना। अरे ऐसा कभी नहीं होगा, इसी काम के लिए तुम लोगों ने मुझे जल्दी बुलाया था क्या? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे अपने साथ ही लाता। हमें तो तब तसली हुई जब अब्दुल्ला चाचा ने बताया तुम अकेले आए हो। वो अगली फ्लाइट से आने वाली है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हेलो। अरे मैं मजाक कर रहा था, वो स्पेन गई है छुट्टियां मनाने के लिए। शायद 10 दिन में हमारा लंदन का फ्लैट रेडी हो जाएगा और तब तक हम लोग भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्या फैजी, कोई अच्छी दिखने वाली लड़की नहीं ढूंढ सकते थे क्या? ये देखने में कितनी गंदी लगती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जा बेटा। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिक्कत तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा बेटा, विदेश की जिंदगी यहाँ की जिंदगी से ज्यादा आरामदायक है क्या फैजी? आरामदायक तो है, लेकिन वहां पर इस तरह के स्नैक्स नहीं मिलते। वक्त बदल गया है, अगर फैजी और शाहाना एक दूसरे से चाहें तो बात कर सकते हैं।
बात कर लो जाकर। हाय, आई एम फैजल। शहना। मुझे पता नहीं उन लोगों ने तुमसे क्या कहा और एक्चुअली मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। हाउ स्वीट। या इट इज क्यूट एंड रोमांटिक बट चाय में शक्कर कितनी चाहिए ये पूछ रही हूँ। टू प्लीज। मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है लेकिन मैं नहीं हूँ। जब हमें बात करने के लिए भेजा गया तो आई थॉट द ऑपोजिट। तुम्हें पता है हमें यहाँ बैठकर बातें करने के लिए क्यों कहा? ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो। ये ऐसी जगह है जहाँ घर के चारों कोनों से देखा जा सकता है। सरा ऊपर देखो, वहाँ पर मेरे दादा दादी और चाचा जी होंगे। बाईं तरफ देखोगे तो बड़ी बहन, उसका पति और उसके बच्चे होंगे। अरे बच्चे बात कर रहे, चलो चलो, चलना चाहिए। तुम्हारे फंसने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो लोग हमें सुन नहीं सकते। थैंक्स। आज के जमाने में तुमने अरेंज मैरिज करने की कैसे सोची? तुम्हारे जैसा हैंडसम, गुड लुकिंग, एजुकेटेड, अब्रॉड में रहने वाला, तुम्हारी तो यूरोपियन गर्लफ्रेंड भी होगी, है ना? तुमने अरेंज मैरिज का फैसला क्यों किया? अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं कभी निकाह ही नहीं करती। लेकिन मैंने कहा ना, मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है। I see. और अगर मैंने निकाह किया तो मुझे अपनी बराबरी का पार्टनर चाहिए, एक ऐसा इंसान जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरी राय भी सुने। तुम्हारी बहनों से पता चला कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो। उन्हें कैसे पता चला? पहले तुम्हारी एक बहन आई थी मुझे देखने के लिए, फिर वो बाकी सब लोगों को भी अपने साथ ले आई और ये लड़की देखने का तीसरा राउंड है। ग्रेट, आई शुड हैव गेस्ड। लेकिन किसी ने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया था। ओह नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बताती हूँ। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। मेरी पढ़ाई बेंगलुरु में हुई, स्पेशलाइज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। और निकाह होने के बाद भी मैं काम पर जाना चाहती हूँ। घर पर रहकर मैं बच्चों को नहीं संभालना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स। तुम 5-star होटल बनाने वाले हो ना? इफ यू डोंट माइंड, मैं उसका इंटीरियर करना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने का कोई चांस है। मैं अगर इंटीरियर करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं होटल नहीं चलाने वाला। वैसे वो तुम्हारा प्रोजेक्ट ही है। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, वो अब्बू का प्रोजेक्ट है। ऐसी एक बात है जो मैं अब्बू को नहीं बता सकता, मैंने स्विट्जरलैंड में शेफ की ट्रेनिंग ली है। शेफ? शेफ का मतलब जो खाना बनाता है सफेद टोपी पहनकर? वही। लंदन में 5-star ज्वाइन किया है, द आइवी रेस्टोरेंट। मुझे सूस शेफ की पोजीशन मिली है। आई विल बी जॉइनिंग इन अ वीक। एक्सक्यूज मी। हम इसके लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं, कोई खाना बनाने वाला कुक नहीं। अजीब बात है, हमने तो पहले ही कहा था कि हमारा लेवल अलग है, उनके खानदान के लोग कुक हैं। गाड़ी निकालो। क्या हुआ चाचा? बेटा अभी जल्दी चलो, तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में हैं। स्विट्जरलैंड मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा था, 3 सालों से तुम वहां पैसे बर्बाद कर रहे थे। तुम्हारी मत कैसे हुई ऐसा करने की? अब मैंने आपसे कहा था ना, मुझे ये MBA नहीं करना, कुछ अलग करने की सोची है मैंने। अलग करने की? क्या अलग करने की? बचपन में मुझे चिढ़ाते थे मैं खाना पकाने वाले का बेटा हूं। कितनी मेहनत की मैंने अपनी इस बदनामी को मिटाने के लिए, पता है? आज समाज में मेरा एक स्टेटस है,
और तुम एक अलग स्टाइल की कुकिंग बिजनेस लाए हो? तुम्हें कुछ और करने के लिए नहीं मिला क्या? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो तुमने मुझसे झूठ कहा, बेवकूफ। अब आप पॉइंट पर आइए ना, मैंने झूठ बोला इसलिए आप गुस्सा हो या फिर मैं शेफ की नौकरी कर रहा हूँ इसलिए? शेफ की नौकरी? मैं तुम्हें कभी वो नौकरी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें कभी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगा। हाजियार की प्रॉपर्टी पर मैं एक 5-स्टार होटल बनाऊंगा, तुम उसे चलाओगे और तुम हाजियार की बेटी से शादी करोगे। मुझे अपने बिजनेस के मामले से दूर रखिए अब्बा, प्लीज। दूर रखूं प्लीज? इतना यूरो खर्च करके अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए मैंने तुम्हें विदेश क्यों भेजा था? खर्चे की भरपाई होने तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। वापस करेगा? नालायक, पैसा वापस करेगा? है? वापस दे मेरे पैसे, ला दे अभी दे। समझता क्या है अपने आप को? ला मेरे पैसे वापस कर। डोंट बी ड्रामेटिक अब्बा, मुझे लंदन में अच्छी जॉब मिली है, जब मुझे सैलरी मिलेगी तो आपका पैसा भेज दूंगा। पैसा भेज देगा, एक पैसा वापस नहीं कर पाएगा। तेरा ये स्टाइल, तेरी सारी पढ़ाई मेरे पैसों की वजह से है, ये शान और शौकत की जिंदगी मेरे क्रेडिट कार्ड की वजह से है। आज मैं ये सब बंद करवा दूंगा। देखता हूं इनके अलावा तुम्हारे पास और क्या है। अगर मेरी अम्मी होती तो आप मुझसे इस तरह बातें नहीं करते। तुम्हारी अम्मी मेरे लिए हर वक्त रुकावट जैसी थी। उसने जब तुम्हें जन्म दिया तब मुझे खुशी हुई, लेकिन आज मुझे ये पता चल गया है। फैजी, फैजी, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रहा हूं। अगर तुम्हें अपने दादा की तरह शेफ बनना है तो इस घर में अब से तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देखो, इस मामले को लेकर मैं बहुत सीरियस हूं, तुम्हें जल्द ही फैसला लेना होगा। फैजी, तुमने अच्छे से सोच तो लिया है ना? हाँ, अच्छे से सोचा है। मैंने अपनी जिंदगी चुन ली है, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। इस दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो बस ये यही है, यही है, यही है। Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
बेटा तुम मेरे साथ रहने आए हो क्या? एक्चुअली जब तक मेरी बहनें मेरा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लाकर नहीं दे देती तब तक थोड़े दिनों के लिए। क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए ये करेंगी? मेरे लिए बस वही है जो कुछ कर सकती हैं। वो सब तो ठीक है पर उन्हें अपने भाई के भलाई के लिए ये सब करना तो पड़ेगा। इसने किताबों से खाना बनाना सीखा है, इसे जरा स्वाद का तजुर्बा लेने दो। बेटा ये रख लो। तो फैजी तुम्हें संभल कर रहना होगा, तुम्हारे दादाजी बहुत अलग किस्म के इंसान हैं, अब्बू जैसे बिल्कुल नहीं। मेरे अब्बू जैसे तो नहीं ना, थैंक गॉड। बेटा यहाँ तक कि तुम्हारे अब्बू भी करीम चाचा को आज तक नहीं समझ पाए, जरा ध्यान रखना। थैंक्स अब्बू चाचा। इस बच्चे की सबसे मुलाकात करवा दो। हाँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ए आसू, ये फैजल है उस्ताद के पोते, ये अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं। अरे जरा बढ़िया चाय पिला। अभी पिला दूँ। एक्चुअली अमेरिका नहीं यूरोप। अरे दोनों एक ही हैं, अमेरिका हो या यूरोप, हमारे लिए तो एक ही बात है। अरे उमर चाचा एक कॉफी पिलाओ ना। अरे भाई दीवार गंदा मत करो, खुद को ये एमएफ हुसैन समझता है। हे, इन्हें पहचानते हो क्या? नहीं। अपने उस्ताद के पोते हैं। उस्ताद के बेटे भी हैं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे पागल, दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें जो तुझे पता नहीं है। उस्ताद कभी अपनी फैमिली के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन मैं उल्टा हूँ। मेरी दो बीवियां और 9 बच्चे हैं, पहली वाली से 4 बच्चे, दूसरी वाली से 5 और अगला ऑन द वे है। हमर चाचा ले लीजिए। हाँ ले आओ, ले 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 ले। हमारे दुकान में 4 वेटर हैं, उनमें से एक ये जॉनी। हेलो नमस्ते। और वो बाबू है और वो साबू जुड़वे हैं, एक और है इस्माइल, यही कहीं होगा। वो देखो वो रहा। उमर चाचा आ? अपनी पहचान बताई क्या? नहीं तू ही पहचान करवा दे। उमर चाचा, इन्हें लगता है कि ये करीम चाचा के राइट हैंड है, लेकिन करीम चाचा को खुद ही नहीं पता कि इस होटल की पोजीशन क्या है। करीम चाचा को सब पता चल चुका है कि यहाँ कौन लोग हैं जो मुफ्त में खाना खाते हैं। मेरा मुंह मत खुलवा समझा। ये चारों दिन भर कभी भी देखो बस यहीं पड़े रहते हैं, बैठे बैठे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और चले जाते हैं, एकदम जंग की तरह चिपक गए हैं। नहीं उमर चाचा, चुंबक की तरह।
We are Kalum guys. That's our band. Oh, you guys are part of the band. Yeah. What kind of music? Local folk, Arabic, alternative rock. That sort of thing, you know. Nice. इन्होंने सही कहा. लेकिन इन्हें आज तक किसी ने गाते हुए नहीं देखा. कैसी बातें कर रहे हैं उमर चाचा? RGC में अगले हफ्ते हमारा शो है. आपको पता नहीं है क्या? वहाँ आकर देखिएगा हम कैसे रंग जमाते हैं. अरे मुझे छोड़ दो भाई. इतने दिनों तक जो देखा उसी से तंग आ गया हूँ. Dude, I like your hair. अरे thanks bro. क्या है? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा होता उस बिल्ली को अगर भगा दिया होता. वो अगर रुक गई ना तो नुकसान पहुंचाएगी. क्रिस्टीना, सम क्रेजी थिंग्स हैव हैपेंड हियर इन इंडिया. नीड टू टॉक यू सून. You call me on +91 98473 45676. I miss you like crazy. Love you lots. Kisses, Faizi. Faizi bhai. Kareem chacha bula rahe hain aapko. Okay. Bye baby. Ye lo. Gaadi start karo. दादाजी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है. तुम उसकी चिंता मत करो, गाड़ी का तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है. क्या दिक्कत है? वो मैंने इसमें पवित्र ग्रंथ रखा था. तुम चलो 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 चलो. अरे चलो ना. आप मराठी भी जानते हो? सब कुछ जानता हूँ मैं. तुम्हें भी सिखा दूंगा. हिंदी, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, भारत की कई भाषाएं आती हैं करीम भाई को. इंग्लिश भी आती है. इंग्लिश भारत की भाषा है क्या? अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ से इलेक्शन में खड़े हो गए ना तो यहाँ के ऑटो वाले ही इनको जिता देंगे. ऐसा क्या? और क्या, यहाँ जब भी कोई नया आदमी आता है ना तो चाचा की बिरयानी जरूर खा करके जाता है. अच्छा. बस ट्रेन या रेलवे स्टेशन पे किसी भी ऑटो वाले से पूछोगे कि अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है तो वो लोग सीधा उस्ताद के होटल में लेके आ जाते हैं. फिर वो जब अपने घर जाते हैं, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलते हैं तो हमारी बिरयानी की तारीफ करते हैं. लेकिन ये लोगों ने किसी भी होटल में लेकर जा सकते हैं? हाँ, लेके जा सकते हैं ना. लेकिन जो ऑटो वाला नया कस्टमर लेके आता है उसे उस्ताद फ्री में बिरयानी खिलाते हैं. नॉट बैड. इनके पास भी मेरे अबू की तरह बिजनेस सेंस है. बेटे, करीम चाचा तुम्हारे अब्बू से हर मामले में बड़े हैं. ये बहुत जगह पे घूमे हैं, कई सारे काम किए हैं, लेकिन इन्होंने पैसा कमाना छोड़ दिया जब से सोशल सर्विस का कीड़ा इनके दिमाग में घुस गया. आओ आओ आओ. ये मेरा पोता है. हेलो बेटा. ये दोनों बोरी ले जाकर वैन में रख दो. हाँ, उठाओ. मैं? हाँ. क्या हुआ? उठाओ ना इन बोरियों को. उठाओ. तो अरे संभाल के बेटा, आराम से चलो. क्या है इसमें? बासमती बिरयानी बनाने का चावल, हल्का लंबा स्पेशल सुगंध के साथ. हल्का और लंबा चावल. दीदी, अब तक कहाँ थी तुम? फैजी, तुझसे आखिरी बार बात की हुई अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं. तुम्हें पता है इन 24 घंटों में क्या-क्या हुआ है? अब्दुल चाचा ने बताया. अच्छा, दादाजी कैसे हैं? तुमने उनके बारे में पूछने के लिए फोन किया या मेरे बारे में?
हम लोग कभी भी तेरी ख्वाहिश के खिलाफ नहीं गए हैं फैजी। तूने जो भी रास्ता चुना है वो सही है। तो तुम चाहती हो मैं अब्बा के पास वापस ना जाऊं? देखो दीदी, तुम्हें कैसे भी करके मेरे डॉक्यूमेंट्स लाने ही होंगे, मुझे लंदन वापस जाना है। हेलो हेलो हेलो। तुम अबू से इस बारे में कब तक बात करोगी बताओ? लेकिन हम उनसे इस बारे में कैसे बात कर सकते हैं? अरे तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? देखो ये मेरा पहला दिन है यहाँ पर और उन्होंने मुझे 50 किलो की चावल की बोरी उठाने को कहा। तुम जिम में भी पैसा भर के यही तो काम करते हो ना? मजाक कर रही हो? सीरियस बात करो ना। हेलो हेलो। कांट बिलीव दिस स्टूपिड फोन। हेलो क्रिस्टीना, क्रिस्टीना बुरा नहीं है। यस बेटे, कोई किसी का भी पेट भर सकता है लेकिन हम जो खाते हैं उससे संतुष्टि होनी चाहिए, इसी से इंसान अच्छा कुक बनता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। यही करने के लिए मैंने तुम्हें स्विट्जरलैंड भेजा था क्या? तो समझ में आ गया, अगर अपने दादाजी की तरह बनना चाहोगे तो आराम से लिखना, लाखों करोड़ों का बिजनेस जो करते हैं यहां पर नुकसान ना हो जाए। अब्दुल, इस बच्चे को अपना रास्ता खुद चुनने दे। भूल गया, ऐसे ही तो तू भी आगे बढ़ा था। करीम चाचा, ये पराठा बिरयानी वाली छोटी चीजों की बात नहीं है, करोड़ों खर्च किए इस 5-स्टार होटल में। और वैसे भी इस मामले में आप क्यों पढ़ रहे हो चाचा? तुम्हें भी बीच में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्या बोल रहा है तू? अब यहाँ कोई भी मेरे सपनों के खिलाफ नहीं है। तो तुम्हारा लक्ष्य जूठे बर्तन साफ करना? 5-स्टार होटल चलाओगे तो तुम्हारा लक्ष्य टूट जाएगा क्या? यहाँ मुझे कोई किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता, आखिर ये तो मेरे लिए ट्रेनिंग ही है ना। ट्रेनिंग? ये दुकान तुम्हारे दादाजी के लिए बहुत जरूरी है, उसके अलावा बाकी सब कुछ दूसरे नंबर पर है, तुम्हें पता है। और ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैं चाहूँ तो ये पूरी जगह एक चेक देकर खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरा दम घुटता है जब मैं यहाँ कदम रखता हूँ। तो रजाक मंजिल में भी मुझे ऐसा ही लगता है। लगता है दादाजी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ बोलने से इस दुनिया में कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता है, और ये उन्होंने अपनी जिंदगी से प्रूव किया है। तुम भी अपनी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर रहे हो। वैसे अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अपना रास्ता बदल सकते हो तो मेरे पास लौट आना, ठीक है? ये मेरे अब्बा ऐसे क्यों हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि उसके वालिद ने ठीक से उसकी परवरिश नहीं की। जब वो बच्चा था तब मैं खुद आवारा था, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी लेकिन अलग अलग जगहों से, पर मैं वापस आने के बाद वो चीजें उसे सिखा नहीं पाया। वो बचपन से ही मुझसे नाराज रहता था। जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसका गुस्सा भी बढ़ता गया। वो मुझसे और इस होटल के साथ मेरे उसूलों से भी नफरत करने लगा।
मैंने उसके साथ जो किया वो गलत था, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं उसे सही कैसे करूं। मेरे अब्बा वो आपको करने नहीं देंगे। अगर किसी खाने की डिश में आलू डाल दें तो उसका जायका बदल जाता है। तेरे अब्बू भी वैसे ही हैं। जो इस वक्त उसके साथ हैं वो उससे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि उसके पैसों से करते हैं, इसलिए वो उन्हीं की जबान बोलता है। इस वक्त वो जो भी कर रहा है, मैं उसके लिए अल्लाह मियाँ से माफी की भीख मांगता हूँ। अभी मैं उसके लिए इतना ही कर सकता हूँ। चलिए। थैंक्स। लंदन से बॉस का ईमेल था। अगर मैं इस हफ्ते नहीं गया तो वो किसी और को अपॉइंट कर लेंगे। Why do you wanna go back, dude? It's a much better scene here, right? Not my scene. दादाजी, आप जाके खाना खा लीजिए, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। बेटे, क्या तुम बीच बे में नौकरी करोगे? वो दिख रहा है 5-star होटल में। मुझे वापस जाना है दादाजी, बस मैं पासपोर्ट के टेंशन में हूँ। डुप्लीकेट पासपोर्ट बनने के लिए 2 महीने तो लगेंगे, ऐसा अब्दुल चाचा कह रहे थे। हाँ, तब तक तुझे कोई नौकरी करनी होगी ना। एक बात जो तेरे अब्बू ने कही वो सही लगी, अगर तुझे कुछ नया सीखना है तो यहाँ से जाना होगा। बीच बे में जा, वहाँ बाबू से मिल और उसको ये दे दे। दादाजी, जॉब के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है, उनके ऑफिशियल प्रोसीजर भी होता है। अरे, तू उससे पहले मिल तो। कैसी हो बेटी तू? खाना कैसा है? उमर चाचा, खाओ खाओ। ये आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं? ये मेरा पोता है, इसे इसकी पसंद की नौकरी दे देना, करीम चाचा। वाओ, दैट्स ऑफिशियल। जाके कोशिश करो, मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कोई ऑफिशियल हो सकता है। एक्सक्यूज मी। यस, कैन आई मीट मिस्टर बाबू? मिस्टर बाबू, द एग्जीक्यूटिव शेफ। Executive? Yeah, that's him. Do you have an appointment? I have a message from Karim Chacha, Ustad Hotel. Oh, please come. Yes, young man. Nice to meet you, sir. उसने कहा था तुम्हारे पास कोई मैसेज है? Oh, yes. ये. Aha, Karim Chacha के पोते हो तुम? जी हाँ, Faisal Abdul Razak. मेरा सीवी और सर्टिफिकेट। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम लॉजन, स्विट्जरलैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन दिख रहा है तुम्हारा। स्विट्जरलैंड से पढ़ाई की है तुमने? वेरी गुड, थैंक यू। मैं करीम चाचा के रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं कर सकता। एनीवे, यू कैन ज्वाइन टुमारो। या, गुड लक। थैंक यू सर। चाचा, वो मेरी साइकिल अगले महीने में ले लेना। ठीक है चाचा, बस मैंने ऐसी याद दिलाया था। ठीक है। आबिदा, ये लो। लड़के वाले आ रहे हैं शादी फिक्स करने के लिए। उसके लिए इतना पैसा काफी है ना? हाँ। अरे, 5-star का सेफ यहाँ क्यों घूम रहा है? कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बिना आपका कैलकुलेशन सीखने आया हूँ यहाँ पे। सब ठीक है दादाजी? हाँ, ठीक तो है सब कुछ, पर मुझे जॉनी के लिए साइकिल लेनी है। नेसू की बच्ची को स्कूल भेजना है। इन लोगों की तो फिक्स सैलरी है ना? वो तो ठीक है, लेकिन जिंदगी में जरूरतें बढ़ती जाती हैं। वो उनके परिवार के साथ रहते हैं। उमर, ये तुम पकड़ो और ये पैसे मदुरई के लिए मनी ऑर्डर कर देना।
वैसे तुम्हारे दादाजी की दूसरी बीवी है। ए उमर, और क्या बोलू, हर महीने भेजते हो लेकिन बताते नहीं हो कि किसके लिए भेज रहे हो। अब तुम ही बताओ, दाल में कुछ काला है या नहीं? मुझे खाने से ज्यादा खिलाने में खुशी होती है, समझ गया ना? मुझे जॉब मिल गई है, उस खुशी के लिए है ये। प्लीज खाइए। दादाजी, ये नौकरी मिलने की वजह क्या है? क्योंकि तूने पढ़ाई की है, क्वालिफाइड है तू, और सबसे खास बात, तू मेरा पोता है। आपने जो आखिरी बात बताई वो सच है। बताइए ना दादाजी, आपका उस शेफ बाबू के साथ कनेक्शन क्या है? अच्छा ये बता, बीच बे का स्पेशल मलबारी बिरयानी खाया क्या? नो, लोग वहां पर 5-star डिशेस ही ऑर्डर करते हैं। ये भी 5-star आइटम है बेटा। जो फॉरेनर वहां पे रहते हैं ना, वो अक्सर स्पेशल मलबारी बिरयानी ही मंगाते हैं, बहुत पसंद है उन्हें। और उसके लिए एक सीक्रेट रेसिपी है। समझ गया ना? आपको कैसे पता है वो? बस ऐसे ही। तो आप बीच बे की रेसिपी इस्तेमाल करते हैं? अरे पागल कहीं का, तू इस बात को जरा उल्टा करके समझ। नो वे, यहाँ की बिरयानी वहां पर स्पेशल मलबारी बिरयानी के नाम से खिलाई जाती है। तो शोहरत और प्रॉफिट मिलता है? हर एक बिरयानी पर बाबू मुझे 5 रुपया एक्स्ट्रा देता है। इसलिए आपका नाम सुनकर उसने प्यार से बात की। फैजी, तुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। New recruit. He's also a chef. Yeah, good. Why don't you join us? Thank you, sir. Well, just to get the ideas right, can anyone suggest a combination of Kerala food with a European dish that could be a part of a fusion menu? Sir, how about an entree of the local Kerala parota with a portion of Spanish omelet? Sure. Can you show us an example? Sure. Sorry? Faizi. Faizi. Hello? Christina? It's me, Faizi. Baby, how are you? Faizi? Where are you? Which number is this? I'm still stuck in India, babe. I sent you so many messages already. This is my new number. So much has happened in such a short while. But forget all that. Guess what's happening now? I'm part of a fusion food festival with a chef Philip from Paris. And he's great stuff. That doesn't sound like you're stuck in India. Come on, Shu. I told you. Until I get my passport in 2 months, I can't travel back. This is just a job I picked till that time. Well, since you're busy setting up your life there, I wish you would let me know. But baby, I've been trying to call you ever since I got here. Faizi? The deposit is due on our apartment. Are you sending the money? Oh, jeez. I didn't think of that. It's like £1,200, right? I don't have that much money now. Well, that means I'll have to let go of it. And possibly move on with Marco. Marco?
What are you doing with Marco? Because my so-called boyfriend is busy creating fusion food in India. So? You room in with your ex-boyfriend? You're the one driving me to it. No, I'm not. Oh God, Fezzi. You're so conservative. Next, do you want me to wear a burqa? Don't you have any girlfriend you can room with? This stupid Marco. You know what? I can't handle this pressure, this long-distance relationship. Whenever you come back in 3 months or four, let's just pick it up from there, okay? Got to go. Bye. हेलो फैजी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें कुछ देना था। टिकट है। अरे तू भूल गया क्या, कल हमारा शो है यार। कम टू स्पॉट एट 7 o'clock, ओके? डोंट फॉरगेट। हाँ चल, आई सी यू देयर। सच में यार बहुत मजा आया। हाँ रियली। Hey Fezzi, hey, you rock man. Bahut acche, awesome. Thanks yaar, thanks. Hey, fabulous yaar. Fezzi. Show kaisa tha yaar? Bahut acha tha. Sach bol raha na? Definitely. Come. Ustad hotel ke baad yahi pe best food milta hai, sach keh raha hu. 1 2 3 4 6 chicken roll. Kebab bhi. Kebab. Yes. 4 kebab aur burger. 4 बर्गर। जब भी शो होता है हमें फूड ड्रिंक सब कुछ फ्री मिलता है। तुम भी होगे? नहीं नहीं। शाह, थैंक यू। कम हियर। हे, गुड जॉब। थैंक यू। सिट डाउन, सिट। फैजी, मीट स्टार ऑफ द इवनिंग शाहना। शाहना ये करीम चाचा के पोते हैं। फैजी, वो मेरा है। अरे यार, इस तरफ डिश किसकी? अच्छा ठीक है, मैं ही खा लेता हूँ। ओके, इस तरफ इस तरफ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, तुम्हारा दिन के लिए ठीक है। खाया? What do you guys do this to me all the time, yeah? Sorry. कहो तो मैं ड्रॉप कर दूं? टॉप शेफ यहाँ कैसे रह गया? लॉन्ग स्टोरी है। इस गए गुजरे वैन से घर पहुँचने तक कोई भी बड़ी स्टोरी पूरी हो सकती है। घर वालों से परमिशन लेकर ये रॉकस्टार बनी हो? वो तो तुम मत ही पूछो। फिर तुम ही मेरे बारे में कुछ मत पूछो। One second. Come on, come on, come on, start. Please start. Idiots.
सर लेफ्ट सर प्लीज सर गुड सर सर प्लीज स्टॉप सर सर लिफ्ट चाहिए सर हे सर डूड कम ऑन अगर मैं अकेली होती तो कब की लिफ्ट मिल जाती मुझे ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए तो सब इजी है हे आई हैव एन आइडिया गाड़ी खराब हो गई है हमें लिफ्ट मिलेगी क्या ठीक है बैठ जाओ भैया ये सांड भी हमारी बगल में बैठेगा क्या अरे नहीं नहीं ए तू एक काम कर पीछे जाकर बैठ जा सब होना बहुत कॉमन है मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता हम बस पहुंचने ही वाले हैं जस्ट 5 मिनट्स चल
सुपर डायलॉग डिलीवरी। मुझसे ये सब करवाने के बाद भी हंस रही हो, बहुत ही कमाल की लड़की हो। You know something? आज मेरी फ्रीडम का आखिरी दिन है, कल मेरी एंगेजमेंट है। Congrats. Thank you. लड़का कौन है नहीं जानना चाहोगे? वो शेफ या कुक तो पक्का नहीं होगा। ओके, चलते हैं। परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा था। स्टेज वाली या उसके बाद वाली? दोनों। गुड बाय। बाय। से मिलना है। कौन सा डिश? प्रिपराइज्ड फिश। तुम जाओ। फैजी? यस। फैजी, तुम्हें हर डिपार्टमेंट से अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट तुम्हारी ट्रेनिंग में छूट गया है, कस्टमर्स। ओह।
बट नो प्रॉब्लम, ये हम देख लेंगे। टेबल नंबर 28 के कस्टमर ने ये कहा है कि वो इस होटल के शेफ से मिलना चाहता है। ये मौका मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जाकर उससे मिलो। बट ओके, बिना ये जाने कि उन्होंने क्या डिश ऑर्डर की है। हमारे किचन में सबका टीम वर्क चलता है। देखो, अगर मैं तुम्हारे डिश का क्रेडिट ले सकता हूँ तो यू टेक द क्रेडिट ऑफ दैट ऑयस्टर। कैरी ऑन। थैंक यू शेफ। सर, कैन आई हेल्प यू? श्योर। इस प्लेट में क्या है मुझे ये जानना है। सर, दैट्स ऑयस्टर्स विद केरला स्पाइसेस। हमारे फ्यूजन फूड फेस्टिवल का स्टार अट्रैक्शन है ये। हमारी धरती की काली मिर्च और नींबू और छोटे प्याज को यूरोपियन डिश के जैसा ऑयस्टर्स के साथ मिला दिया जाता है। यूरोपियन स्टाइल? यस सर। तुम्हें यूरोप का स्पेलिंग भी आता है क्या? महरूफ, प्लीज यहां कोई सीन क्रिएट मत करो। हेलो, मेनू में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव डिश है ये सोचकर मैंने ऑर्डर किया था। अगर ये चीज कच्चा दिया जाता है तो शेफ की जरूरत क्या है? सर, फ्यूजन फूड के मेन्यू के हिसाब से ये फ्यूजन फूड नहीं है, कंफ्यूजन है। सर प्लीज अंडरस्टैंड, ये डिश ऐसे ही खाई जाती है। ओहो, मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने ऑर्डर किया। जाके एमडी को बुलाओ, मैं उनसे ही बात करूंगा। सॉरी सर, आपको जो चाहिए ऑर्डर कर दीजिए, शेफ आपके लिए बना देगा। क्या मुझे ये सिखाएगा कि मैं खाना कैसे खाऊं? नॉट एट ऑल सर, प्लीज ऑर्डर कर दीजिए। मैंने क्या ऑर्डर किया था? ऑयस्टर्स विद केरला स्पाइसेस। जाके पहले वैसा बनाओ जैसा मैंने बोला था। यस सर। आज तो काम पर नहीं जाएगा क्या बेटा? नहीं, आज मैं छुट्टी पे हूँ।
आप कहीं जा रहे हैं? आपको ड्रॉप कर दूं मैं? आ, करीम चचा। या अल्लाह, फैजल ये मेरा पोता है। हेलो। हाय। आपको लोन की आखिरी तारीख पता है ना करीम चचा? बस कुछ ही महीने बाकी हैं। मुझे पता है कि पूरी रकम इंटरेस्ट के साथ चुकाने में मुश्किल होगी। कुल मिलाकर कितना होगा? यही कुछ 786,043 रुपये हुए। थोड़ा और वक्त मिल सकता है क्या? इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रपोजल है। हाँ? इसमें आपको ही प्रॉफिट होगा। अगर आप महीने के आखिरी में अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे तो लोन के पैसे काट कर 50,000 आपको मिल जाएंगे। और देखिए चचा, वो प्रॉपर्टी तो आपके हाथों से वैसे भी चली जाएगी। अगर लोन के पैसे भर दिए तो? दादाजी, कौन सी प्रॉपर्टी? मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी तो है। होटल? हाँ। मैंने सारा कैलकुलेशन इसमें लिख दिया है, ये लीजिए। फैजल, जरा इधर आना। श्योर। देखो, मुझे पता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इंटरेस्ट भरने के लिए, फिर भी ये मुश्किल है। देखो, वो सिद्धांतवादी आदमी है, तुम्हें उनको समझाना होगा। अगर तुम चाहोगे तो वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। इतनी मेहनत करके लोन भरने से आखिर उन्हें क्या मिलेगा? करीम चाचा अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं देखते, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। और ये कभी बदलने वाला भी नहीं है। भलाई इसमें है कि करीम चाचा खुद इस प्रपोजल को स्वीकार कर ले। देखो फैजल, तुम्हारा जीवन भी इस होटल के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता, समझ रहे हो ना? वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। अब अगर तुम्हें मेरा ऑप्शन पसंद आया तो तुरंत फैसला कर लो। हम लोग प्रॉपर्टी नहीं बेचने वाले। फैजी, फैसला करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। फैसला करने के बाद मुझे बता देना, बाकी मैं अरेंज कर लूंगा। ओके, थैंक यू सर। छोड़ दो। दादाजी, ये कैसा लोन है? 3 साल पहले मेरे पास होटल चलाने के लिए पैसे नहीं थे, उस वक्त लोन लिया था। और पैसे भरने के लिए फंड नहीं है? तो फिर कुछ कह नहीं सकता दादाजी। आप ठीक हो ना? क्या तुमने कभी रेगिस्तान में बारिश देखी है बेटे? मैंने देखी है। मैं नूतन चिश्ती के दरगाह पे जा रहा था, वहां पहुंचने से पहले इसी तरह से बारिश आई थी। तब हर एक इंसान यही सोच रहा था कि जन्नत दूर नहीं है। इस पूरे शहर में आपकी बिरयानी सबसे अच्छी है, तो भी बिजनेस में लॉस हो रहा है, ऐसा क्यों दादाजी? बेटा, मैं कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसीलिए खर्चा ज्यादा हो जाता और प्राइस आप बढ़ाते नहीं हैं। ये बात नहीं है बेटा, प्राइस बढ़ाए बिना भी मुझे प्रॉफिट मिलता है, लेकिन दरअसल बात यह है कि मेरे कई खर्चे हैं ना। उमर चाचा के बेटे की कॉलेज फीस और अबिदा चाची की बेटी की शादी है ना। इसका मतलब है कि ये जो होटल है ये दूसरों के खर्चे चलाने के लिए है बस, ये आपके बिजनेस के लिए भी नहीं है। आप अक्सर कहते हो ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर यात्रा पर निकल जाना है, जैसे कि आपको हर दरगाह पर जाना है। होटल बंद किए बिना आप ये सब कर सकते हैं? मुझसे जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ बेटा। एक नाव को अकेले ज्यादा दूर तक भला कोई कैसे ले जा सकता है? अगर चलाने वाला कोई और भी हो तो हालात बदल सकते हैं।
होटल के लिए जो आपका कमिटमेंट है, ये किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते दादाजी। तो आपने जो शुरू किया था उसको खत्म करना ही बेहतर होगा ऐसा मुझे लगता है। जो किस्मत में लिखा है वही होगा फैजी, और इसे होने से कोई नहीं रोक सकता। हम भी इंतजार करके देखते हैं क्या होता है। हमारी किस्मत बनाने वाले हम खुद हैं, है ना दादाजी? मेरी लाइफ में क्या होना है ये डिसाइड करने वाला मैं खुद हूँ। क्या ये कोई और कर सकता है क्या? अगर कर सकता तो तू मेरे साथ नहीं होता। अगर तू अपनी मर्जी के हिसाब से करता तो आज तू यहाँ पे नहीं रह रहा होता, बल्कि लंदन में अपने बिजनेस को सेटल कर चुका होता। यही किस्मत है बेटा। कभी कभी लगता है कि लंदन का सपना देखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये ले। ये थोड़ा सा अलग है। इलायची इलायची डालिए ना, बोलिए ना। मैं तुझे मसाले के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसका एहसास तेरे दिल में है। हर एक सुलेमानी में थोड़ा सा मोहब्बत मिलाना बहुत जरूरी होता है। उसे पीने के बाद पूरी दुनिया रुक जानी चाहिए। आप मुझे अपने प्यार की कहानी बता सकते हैं? तू इतने इत्मीनान से कैसे कह सकता है कि मेरा लव अफेयर था? नहीं, मतलब जो सुलेमानी चखते हैं वही कह सकते हैं कि उसके टेस्ट के बारे में। बेटे, जब मैं 18 साल का था उसी साल मैंने अपने उस्ताद को ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं मौलवी की बेटी की शादी में बिरयानी बनाने गया था। जिस समय मैं बिरयानी बना रहा था उस वक्त धुएं में मैंने एक चेहरे को देखा खिड़की के पास, जैसे कोई चिड़िया पिंजरे में बंद हो। मेरे दिल में भी हलचल सी होने लगी। मेरी जिंदगी में पहले जो कुछ भी हुआ था सब एक जगह पर आकर जैसे थम सा गया था। कौन थी वो? मौलवी की बेटी। मैं उसकी शादी के लिए ही बिरयानी बनाने गया था। फिर क्या हुआ बताइए ना दादाजी। क्या हो सकता था? निकाह के बाद आपकी बिरयानी खाकर वो चली गई होगी। तू किसी की मोहब्बत में नहीं पड़ा क्या? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, प्यार। दादाजी, चाहे कुछ भी हो लेकिन आपने उसे अपने दिल से नहीं निकाला। सो जा बेटा। बताइए ना, तुझे पता है वो हसीना कौन है बेटा? तेरी दादी है। व्हाट?
फैजी बेटा, हम लोग दोस्त बन गए हैं। बहुत ही हैंडसम लग रहा तू। उसका नेचर बहुत ही बुरा है, so insensitive. दूसरों की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं। इसलिए तो तुम उसके साथ मिली हो। परफेक्ट पेयर। मैंने गलती कर दी। डोंट से दैट। आखिर में तुम उसी से निकाह करने वाली हो ना? मैं महरूफ के बारे में नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे बारे में कह रही हूँ। सुलेमानी पीने का वक्त हो गया है। इतना बुरा नहीं है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। वो कैसे? किसी और की दुल्हन को चोरी करके अपने शरीर कहीं का। ओके, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। वेट वेट, आई वांट अ पिक्चर विद यू। श्योर, जस्ट श्योर यू डोंट फॉरगेट मी। आई रिमेंबर व्हाट यू सेड फैजी, इफ देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन पेरिस, आई विल मेक श्योर यू गेट इट। थैंक यू सर, it's been great to work with you. Just one for me, if you don't yes, mind. Yes, why not? समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें इस तरह के प्लान के बारे में पता होगा ना? ये तो बीच पे इंटरनेशनल का फ्लो प्लान है। That's strange. ये देखो, इस ब्लूप्रिंट से हमें बीच पे का एक्सपेंशन प्लान दिख रहा है। मेन एक्सटेंशन बीच से है, बट ये असली बाउंड्री है और ये नया एक्सपेंशन एरिया तुम्हारे प्रोमिनेंट में है। मतलब दादाजी के होटल के पास? एक्चुअली दादाजी का घर और होटल इसमें इंक्लूडेड है। That means, बैंक की नजर होटल पर है। अच्छा तो ऐसा है ये प्रपोजल। हमारी दुनिया उनके प्लान के एक छोटे से कोने में आती है। hmm.
से भी लोन भरना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपको लोन भरने का मौका देंगे दादाजी। सर, ये बहुत देर से आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे थे। ओके सर, आई एम फैजल अब्दुल। फैजी, राइट? यस सर। शेफ फिलिप स्पोक वेरी हाईली ऑफ यू। दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम सर। सर, मैं आपसे ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ जो मेरे काम से संबंध नहीं रखता। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, बट लेकिन मुझे आपसे मिलकर ये बताने की इच्छा हुई। गो ऑन। सर, नेक्स्ट डोर पर जो उस्ताद होटल है वो मेरे दादाजी का है। उनकी अभी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर। मुझे पता चला है कि बीच बे इंटरनेशनल उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। उस बैंक मैनेजर ने आपसे क्या कहा मैं नहीं जानता, बट मेरे दादाजी के लिए वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है। सो उसे बेचने का कोई प्लान नहीं है सर। सो आई होप बीच बे इंटरनेशनल अगर अपना प्लान बदल सकता है तो। तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। हमारे प्लान किसी और के इंटरेस्ट से कभी नहीं बदलते हैं, बल्कि दूसरे हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से बदल जाते हैं। उनके साथ जो प्रॉब्लम होगी वो उनको फेस करनी ही होगी। आई होप तुम्हारे दादाजी ये बात समझ जाएंगे। एक पुराना बिरयानी का शॉप, उसे बंद करने के लिए जस्ट वन फोन कॉल शुड बी इनफ। जाओ, तुम्हें किचन में कुछ काटना वाटना होगा। You give us something like this. What is this? The chicken is not fresh. This is the kind of chicken you are serving my guests. Sorry, huh? Sir. Sorry. Go call the chef. Sir. Right now. Chef. GM के गेस्ट आपको बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत डांटा इस चिकन डिश की वजह से। क्या कंप्लेन है उनकी? उनका कंप्लेन ये है कि चिकन फ्रेश नहीं है। चिकन तो फ्रेश है। Chef. जीएम के गेस्ट को फ्रेश चिकन चाहिए है ना? सर, फ्रेश चिकन ऐसा रहता है, देखिए। से बात करो। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से आए हैं। आपके रेस्टोरेंट में हाइजीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है हमें। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस होटल के हाइजीन के बारे में हमें किसी ने कंप्लेन की है। सारे कस्टमर्स को बाहर भेजो, हम इस रेस्टोरेंट को सील कर रहे हैं।
लेकिन क्यों सर? तुम्हारे किचन में एक बिल्ली मरी हुई पड़ी है। दिनों तक लीगल एक्शन चलेगा और उसके बाद होटल खोलने से पहले इंस्पेक्शन होगा। बाकी आप हमारे ऑफिस में पूछताछ कर सकते हैं। उस्ताद होटल जो कोहिनूर बीच के करीब है उसमें रेड डाला गया है। वजह यह बताई गई है कि अनहाइजेनिक तरीके से यह होटल चलाया जा रहा था। फूड कंट्रोल एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने होटल को सील कर दिया है। एक तरीके से ये होटल चलाया जा रहा था। फूड कंट्रोल एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इसे सील किया है। कमर्शियलाइजेशन का शिकार हर बार आम आदमी ही होता है। इस होटल के खिलाफ कई बार लोगों ने कंप्लेन भी किया था मगर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर आज पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ के इन्हें बेनकाब कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जनता में कितना गुस्सा है। बीसीबी चैनल से कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं टोनी। दादाजी अभी उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। उसकी जरूरत नहीं है। हम ऐसा अभी कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग बहुत अमीर हैं बेटा। हम उन लोगों से लड़कर जीत नहीं सकते। हमारे साथ ये गरीब भी भूखों मरेंगे। उस्ताद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब ने अपना पूरा जीवन इसी दुकान में गुजारा है। आजकल के आए हुए लोगों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब मिल जाए तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बेटा फैजी हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हमें उनसे क्यों डरना चाहिए बताइए। इससे किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा दादाजी। हमें यह होटल किसी भी हालत में फिर से खोलना होगा। दादाजी सब कुछ सही हो गया और आपने जो कहा था वो भी सही था। किस्मत के बारे में
शेफ फिलिप फ्रांस में रेस्टोरेंट खोल रहा है और वो चाहता है कि मैं भी उसके साथ चलूं एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पर। मेरी पूरी मेहनत का मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। दादाजी आपको कुछ भी करके मेरे डैडी से पासपोर्ट दिलाना ही होगा। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उड़ पाऊंगा। आई कैन फ्लाई हाई। मुझे वापस ऐसा मौका नहीं मिलेगा दादाजी। मैं अपनी दीदी को फोन करके आता हूँ। वन मिनट। हाँ एक मिनट। Rest for some days. Relax now. उनकी कंडीशन स्टेबल है। मुझे कोई और टेंशन नहीं है। दादाजी को मुझे रुकने के लिए नहीं कहना चाहिए। इमोशनल ब्लैकमेल करने का सही समय है ये। अगर उन्होंने कहा भी तो तुम जा सकते हो। बेटा तो जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम करेगा क्या? श्योर। वो जो मदुराई में मेरा दोस्त रहता है उसको पैसे पहुंचाने हैं और एक चिट्ठी भी। ओके। एड्रेस उमर के पास है, ले ले। तुझे आज ही निकलना होगा। दादाजी अब हॉस्पिटल में हो तो मैं कैसे? जिसे जाना होता है वो चला जाता है। नारायण कृष्णन। यस। करीम चाचा फ्रॉम कैलीकट ने भेजा है। ओह। और कैसे हैं करीम चाचा? He is fine. हाँ? Actually, वो हॉस्पिटल में है। हाँ? He had a heart attack. Oh. But he is fine now. उन्होंने मुझे खत दिया है आपके लिए। मैं
मेरे प्यारे नारायण कृष्णन, इस खत के साथ तुझे जो मिलेगा वो मेरा पोता है। मैंने उसे सिखाया है कि खाना कैसे बनाया जाता है, लेकिन तुम्हें ये सिखाना है कि हम खाना किसके लिए बनाते हैं। अरे वो उन्हें दे दो, तुम खाओ। अच्छा बच्चा है, खाओ खाओ आराम से खाओ। इडली पसंद आया ना? हाँ? उस्ताद होटल में काम करता है क्या? नो, आई एम अ शेफ एक्चुअली। बहुत जल्द मैं फ्रांस जाने वाला हूँ, वहाँ पे जॉब मिला है मुझे इन मार्सिले एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ? मैं भी शेफ था ताज में कई साल पहले। ओह, आई वर्क देयर फॉर 12 इयर्स। ओके, यू सी दैट ओल्ड मैन? ही चेंज्ड माय लाइफ। उस समय मैं ताज में काम करता था। उस दिन पहली बार मैंने इस आदमी को देखा। वो भूख सह नहीं पा रहा था, इसलिए he was eating his own human waste। और वहां मेरे गांव में लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। और चाहिए कहता रहता है, लेकिन खाने के मामले में ऐसा नहीं है। अगर एक का पेट भर गया तो कहेंगे कि बहुत हो गया।
चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ सब लोग। आज दोपहर हमें नेरीमेट के हेलन केलर स्कूल जाना है, सब लोग 8 बजे तक रेडी हो जाओ, ठीक है? ओ भाई समझ गया ना फैजी, तू एक काम कर, आज तू खाना कुक कर। ओके आई मीन श्योर सर। हाँ क्या बनाऊँ मैं? और क्या बनाओगे? बिरयानी, करीम चाचा वाली बिरयानी। अच्छी बनी है लगता है, आज मैं भी चेक करके देखता हूँ प्लीज। फैजी मुझे पता है ये तुम्हारी बनाई हुई बेस्ट बिरयानी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। Thank you.
दे सकता है, लेकिन हमें उसको दिल से संतुष्ट करना चाहिए। वही असली टच है खाना बनाने में। उस्ताद होटल बंद हो गया बेटा। दादाजी, करीम चाचा चले गए। उनके पास खोने के लिए क्या था? वो तो कंधे पर एक पोटली लेकर इधर उधर घूम लेंगे। उन्हें इसकी आदत है, लेकिन अब हम क्या करें? होटल ऐसा बन गया जैसा आप देख रहे हो। इतना काफी है ना? कहानी बताकर मैं थक गया हूँ। थैंक यू उमर चाचा, बात करके अच्छा लगा। तो अभी आपको उमर चाचा ने उस्ताद होटल के 60 साल के इतिहास के बारे में बताया। ये केवल इतिहास ही नहीं बल्कि एक कहानी भी है। और आज की शाम को और भी हसीन बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूफी डांस करने वाली एक टीम, जिसके साथ है गजल, जिसे यहाँ के लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ की बिरयानी की खुशबू पूरे शहर में बहुत मशहूर है। जब बिरयानी के बर्तन का ढक्कन निकलता है तो उसकी खुशबू पूरे शहर में फैल जाती है, और इसे इतना स्वादिष्ट बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ करीम चाचा ही हैं। और अभी आपके सामने जो बैठे हैं वो बहुत ही खास इंसान हैं। इस होटल के पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने वाले एक खास लिंक, उस्ताद जी के बेटे और फैजी के पिता जनाब अब्दुल रज्जाक। सर, आपके उस्ताद होटल को लेके कौन कौन से यादगार पल हैं? यादगार पल कहूँ तो ये होटल मेरे अब्बू के लिए सब कुछ था। दरअसल मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। जब मैं छोटा था तो यहाँ आए हुए लोगों को मैं बिरयानी परोसा करता था। फैजी से उन्होंने पहले यही करवाया, उनका स्वभाव ही ऐसा था। अब इस उस्ताद होटल का नया ब्रांच दुबई में भी शुरू किया है, और वो उसकी बहनें चलाती हैं, और ऊपर वाले की मर्जी से बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है वहाँ पर, सब उसकी मेहनत की वजह से। अब आइए मिलते हैं इस होटल की तीसरी पीढ़ी से, फैजी, मतलब उस्ताद के बेटे के बेटे। ये वही है क्या जिनके बारे में चाचा ने कहानी सुनाई थी? हाँ वही शाहना। उस्ताद होटल की बिरयानी इसलिए बहुत टेस्टी है क्योंकि उसमें खास चीज मिलाई जाती है, और वो है मोहब्बत। आप आज भी पहले जैसी बिरयानी कैसे बना लेते हैं? दादाजी ने जो राह दिखाई थी हम उसी पर चल रहे हैं, वही रेसिपी हम फॉलो करते हैं। ये जीत सही मायने में ओरिजिनल टीम को जानी चाहिए। सिर्फ दुख की बात यह है कि ये सब देखने के लिए दादाजी यहाँ पर नहीं है।